गुरु प्यारी साध संगत जी प्यार भरी राधा स्वामी जी साध संगत जी आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो सत्संगत जी आज की जो साखी है वह मोगा शहर की है। सत्संगत जी जैसा कि आपको पता है मोगा शहर जो है वह बाबा जी का अपना शहर है और बाबा जी इसी शहर में पैदा हुए थे। तो सत्संगत जी ये जो साखी है मोगे की एक गरीब लड़की की साखी है जिसके लिए बाबा जी को जो है उसके घर तक आना पड़ा, उसके शादी में आना पड़ा। सत्संगत जी ये जो लड़की है ये मोगा में रहती थी और इसके घर में ये माँ बेटी थी और बेटी रहती थी, इनके घर का कोई सदस्य नहीं था। ये दोनों माँ बेटी जो है अपना पेट जो पालती थी वो मजदूरी कर कर पालती थी। और एक दिन उसकी माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटी अब तुम्हारी उम्र शादी के लिए होगी है, मुझे तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढना पड़ेगा। तो वो कहती है, माँ अभी इतनी जल्दी क्या है। माँ कहती है, बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हारी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो रही है, अगर सही समय में तुम्हारी शादी ना हुई तो तुम्हारे लिए जो है लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो वो कहती है, माँ कोई बात नहीं, जो हमारी किस्मत में होगा वह हमें ज़रूर मिल जाएगा। माँ कहती है, बेटा ये बात तो तेरी सही है लेकिन फिर भी हमें कोशिश तो करनी होगी। मैं सत्संग घर जाती हूँ, वहाँ पर देखती हूँ, बीबियों से कहती हूँ अगर मेरी बेटी के लिए कोई लड़का हो तो वह ज़रूर बताना। तो वो कहती है, माँ ऐसे मेरी शादी के बाद आप अकेली पड़ जाएगी। तो माँ कहती है, बेटा कोई बात नहीं है, जो है इसकी चिंता तुम मत लगाओ, सभी लड़कियों को जो है एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। तो वो कहती है, माँ आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तो माँ कहती है, फिर बेटा किस बात के लिए तू इतनी व्याकुल हो रही है। तो वह कहती है, माँ मैं व्याकुल नहीं हो रही लेकिन मुझे इस बात का पता होना चाहिए ना कि आप अकेली कैसे रहेंगी। माँ कहती है, बेटा मेरे साथ बाबा जी हैं, तू क्यों चिंता करती है। तो वो कहती है, माँ मेरी चिंता करनी भी तो जायज है ना। तो माँ हंसने लगी और कहती है, बेटा किसी बात की चिंता मत कर, हमारे साथ तो खुद बाबा जी हैं और बाबा जी हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे। तो वो कहती है, माँ ठीक है। माँ कहती है कि मैं आज ही सत्संग घर जाऊंगी और सबसे बात करूंगी। वह चली जाती है, वहां जाकर वह बीबियों से पूछती है और कहती है कि अगर मेरी बेटी के लिए कोई लड़का हो तो बताना। तो वह कहती है कि कोई बात नहीं बहन, बाबा जी की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। कहती है, आप किसी बात की चिंता मत लगाइए। वो कहती है, हम दोनों माँ बेटी जो है मजदूरी कर कर पेट पालते हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो वह बीबियाँ कहती है कि बीबी किसी बात की चिंता मत करो, आप घर जाइए, अगर कोई लड़के होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो वह कहती है, ठीक है, घर चली जाती है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और तब एक जो है उसके घर में दस्तक होती है और कहते हैं कि आपकी लड़की की शादी होने वाली है। कहती है, हाँ शादी तो होने वाली है लेकिन अभी लड़का नहीं मिला। तो वो कहती है कि हमें आपकी सत्संगी बहन ने हमारे बारे में बताया है, हम भी सत्संगी हैं। तो वो कहती है, फिर अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं। तो बोलती है कि आपकी बेटी कहाँ पर है, बेटी को लाया जाता है। वो कहती है कि लड़का क्या करता है।
तो वो कहती है कि मेरा खुद का लड़का है, एक फैक्ट्री में काम करता है। और कहती है आपके घर में कौन कौन है? वो कहती है मेरा इकलौता बेटा है, मैं और मेरे पति जो है वह उनके साथ है। तो वो कहती है आप जो है वो लड़का कुछ खाता पीता तो नहीं? तो वो बीबी कहती है बीबी हमने बाबा जी से नाम डाल लिया है, इस बात से आप चिंतित मत होइए। तो उस बीबी की जान में जान आती है और कहती है कि ये तो ठीक है। फिर तब वह बीबी कहती है कि मेरे लिए देने के लिए कुछ नहीं है। तो वो कहती है आप चिंता मत कीजिए। सत्संग जी, उस जो लड़के का पिता था वह बाबा जी की कोठी में सेवादार था। और सत्संग जी ऐसे ही रिश्ते की बात चलती है। और बाबा जी उस समय मोगा में थे, तो वह उस लड़के का पिता आता है और कहता है कि मेरे बेटे की शादी है, आप ज़रूर आना। बाबा जी कहते हैं बेटा तेरा बेटा मेरा बेटा है, मैं शादी में ज़रूर आऊँगा। उधर एक सत्संगी बीबी कहती है कि बाबा जी जिनसे इनके बेटे की शादी है वह बहुत ही गरीब है, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। बाबा जी कहते हैं तो इन्हें कौन सी ज़रूरत है? बाबा जी कहते हैं कि उस लड़की की माँ को मेरे पास लेकर आना। तो वो कहती है ठीक है पापा जी। बाबा जी जब उस लड़की की माँ को बाबा जी के पास लाया गया तो वह बाबा जी को देखकर रोने लग पड़ी। बाबा जी कहते हैं बेटा क्या बात हो गई, क्यों रोने लगी? तो वो कहती है कि बाबा जी मैं अपने आप को इस लायक नहीं मानती थी कि मैं आपके सामने आ सकूं। बाबा जी कहते हैं मेरी बेटी की शादी है और बताओ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो। तो वो कहती है बाबा जी आपका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा एक सेवादार था वहाँ पर खड़ा हुआ, कहते हैं इनकी बेटी को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उन्हें लेकर दीजिए। वो कहती है बाबा जी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरी बेटी की शादी में आ जाना, यही काफ़ी है। बाबा जी कहते हैं बेटा इस चीज़ की तुम चिंता मत करो, मैं ज़रूर आऊँगा और किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत होगी तो मुझे बिना हिचकिचाए कहना, ये सेवादार तो तुम्हारे साथ जा रहे हैं और देखेंगे कि किस चीज़ की ज़रूरत है। वह बीबी कहती है ठीक है और वह दोनों बीबी सेवादार चले जाते हैं। घर जाकर देखते हैं तो घर की हालत बहुत ख़राब है। सेवादार कहते हैं बीबी हम सब कुछ ठीक कर देंगे। उन्होंने सबसे पहले घर को रिपेयर करवाया और वहाँ पर अच्छी सी व्यवस्था कराई, जो घर में चार मेहमान आने के लिए उन्होंने बेड सोफे जो थे मंगाए और हलवाइयों को बुला कर जो है सब व्यवस्था की गई। तो ये देखकर वह रोने लग पड़ी और कहती है कि इतना सब कुछ मत कीजिए। वो कहते हैं कि बीबी ये बाबा जी का हुक्म है और उस लड़की को जो भी चीज़ की ज़रूरत थी वह भी लेकर दी गई। इस बात से वह लड़की कहती है माँ ये सब कुछ कौन कर रहा है? तो वह कहती है कि ये सब कुछ पापा जी कर रहे हैं। उस लड़की को यकीन नहीं आता पर उसकी माँ है कि आज बाबा जी ने मुझे बुलाया था, तुम्हारे जो ससुर जी हैं वो बाबा जी की कोठी में जो है सेवा करते हैं। तो वो कहती है अच्छा, तो जब उन्हें पता लगा कि हमारी खस्ता हालत ठीक नहीं है तो बाबा जी ने मुझे बुला कर कहते हैं कि तुम्हारी बेटी को जो जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी कीजिए। और ऐसे ही चलता ही गया। बेटी की शादी होने वाली थी तो वो कहती है माँ क्या बाबा जी भी आएंगे? तो वो कहती है बेटा बाबा जी बिज़ी रहते हैं और क्या पता आए या ना आए। तो वो कहती है कि ठीक है। तो ऐसे चलता है। तो वो कहती है ये सब कुछ बाबा जी की बदौलत हुआ है। वह दोनों माँ बेटी मंडप में बैठती है और कन्यादान के लिए कहा जाता है। तो वो कहती है कि कन्यादान मैं अकेली नहीं कर सकती। तो वो कहती है
कोई बात नहीं। तो तब बाबा जी के कुछ सेवादार आ रहे थे और उन्हें पता है बाबा जी भी आ रहे थे। तब बाबा जी ने खुद उस लड़की का कन्यादान किया, जिसे देखकर सारी संगत हैरान हो गई। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा, किसी बात की चिंता नहीं। वो कहती है, बाबा जी, आज मेरी ज़िंदगी में मेरे बाप की एक कमी थी, आज आपने उसे पूरा कर दिया। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, हमेशा ही इस ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं होना है। जो कुछ है मालिक ने दिया है, उसकी कदर करें। और तुम्हारे सारे कार्य हो गए हैं। तो वह कहती है कि ठीक कह रहे हैं, बाबा जी ने उस लड़की का कन्यादान किया। लड़की की आंखों से फूट फूट कर आंसू आ रहे थे। बाबा जी कहते हैं, बेटा अब तो खुशी की बात है, अब तुम क्यों रो रही हो? तो वो कहती है, बाबा जी, कुछ आपने किया है मैं कभी सपने में नहीं सोच सकती। बाबा जी कहते हैं, बेटा अपने मालिक पर विश्वास रखें, वह सब कुछ आपके साथ सही होने देंगे। और किसी बात की चिंता मत कीजिए, हमेशा ही मालिक सबके साथ अच्छा करता है। बाबा जी की ये बातों से सारा परिवार भी हैरान था कि आज बाबा जी ने एक बिन बाप की बेटी का कन्यादान किया। बाबा जी उसे कहते हैं कि बेटा, हमेशा ही भजन सिमरन का साथ लीजिए, आज से तुम्हारी ज़िंदगी में नया दौर शुरू होने वाला है। तुम्हें उस नए दौर में जो है हमेशा खुश रहना है, और मालिक ने जो कुछ दिया है उसे जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानकर उसे स्वीकार करना है, क्योंकि मालिक जो है वह हमेशा ही हमें हमारे कर्मों के हिसाब से देता है। वह लड़की बड़ी खुश थी। बाबा जी कहते हैं, बेटा इसी तरह खुशी खुशी रहो। तो साध संगत जी, बाबा जी हमारे साथ पल पल है, हमें इस बात का एहसास नहीं कर पाते, लेकिन जब भी कोई भी मुश्किल आती है बाबा जी हमारा साथ ज़रूर देते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।